कि आदमी सिर्फ अपनी दुनियावी इबादतों रियाजतों के पर और दुनिया में जो भी मेहनतें कर रहा है उसके पर उसे मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना चाहिए, कि यही इबादतें और यही मेहनत और यही बंदगी अल्लाह के यहाँ हमें कामयाब करेगी। नहीं, उसके लिए हमें अल्लाह की ज़ात के पर एतमाद भी करना होगा, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी करना होगा। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस इरशाद के पर असहाब इकराम को ताज्जुब भी हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि कोई शख्स सिर्फ अपने अमल की बुनियाद के पर अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तब असहाब इकराम को हैरत हुई और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप भी? कहा कि हाँ मैं भी, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपनी रहमत में ढांप ले तब मैं अल्लाह की जन्नत में दाखिल होने वाला हूँ। तो अल्लाह की जन्नत सिर्फ अमल की बुनियाद के पर नहीं बल्कि अमल के साथ साथ अल्लाह की रहमत की बुनियाद के पर मिलने वाली है। जो लोग ये समझते हैं और ये तसव्वुर अपने जहन व दिमाग के अंदर रखे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत सिर्फ इबादत की बुनियाद पर मिलेगी, सही नहीं है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।